ये दिन था 23 मार्च 1931 का, जब लाहौर सेंट्रल जेल में मौजूद सभी कैदियों को ऊपर से आए आदेश बताकर अपनी अपनी कोठरियों में भेज दिया गया। उस समय सभी लोग सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है, तभी जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाता हुआ निकला कि आज रात ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दी जाने वाली है। सभी कैदियों की निगाहें सामने से जाने वाले रास्ते पर थी, जहां से तीनों को ले जाया जाने वाला था। तब उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनके पास मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वह उन्हीं के सामने से पढ़ने लगे, मानो अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कुछ संदेश देना चाहते हो। भगत सिंह ने किताब से बगैर मुंह हटाए कहा, दो संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। जब फांसी देने का समय आया तब जोरों से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे जेल में गूंज रहे थे। इनके आवाज सुनकर बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि इनके शवों को जेल के अंदर जलाना या फिर बाहर ले जाना लगभग असंभव था। तब उनके पार्थिव शरीरों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे जलाया गया। इन वीर जवानों की कहानी बताने का हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।